मानव नेत्र ह्यूमन आई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक निकट दृष्टि दोष मायोपिया इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण एक लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, दो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तीन लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ 299। दो दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण एक लेंस की गोलाई कम हो जाती है, दो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तीन लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीन जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना निकट की ही वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण इस रोग के निवारण के लिए द्वि फोकसी लेंस उभयातल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चार दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता एस्टिगमेटिज्म इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट एक रेटिना की शंकु क्रॉन्स कोशिका से रंग व एवं छड़ रॉड्स कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। दो जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता कंजक्टिविया अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। तीन आंख के रंग से मतलब आयरस के रंग से होता है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतना ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d अपॉन 5 जहां d बराबर 25 सेंटीमीटर f बराबर लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस आई लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के का द्वारक मुख व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी टेलीस्कोप इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है जिससे ये दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। स्थिर वैद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों का धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। पृष्ठ 300 समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ए रोआ दो फलानेल तीन चमड़ा चार मोम पांच कांच छह कागज सात रेशम आठ मानव शरीर नौ लकड़ी दस धातु ग्यारह रबड़ बारह रेजिन तेरह अंबर चौदह गंधक पंद्रह एबोनाइट सोलह गाटा पाचा आवेश के पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज
चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा स्थान तांबा का है। अचालक नॉन कंडक्टर्स जिन पदार्थों से होकर आवेश का वो प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। कूलाम का नियम कूलाम्स लॉ दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य W एवं आवेश का मान क्यू नॉट के अनुपात रेशियो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, ये एक अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, ये एक अदिश राशि है। पृष्ठ 301 विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसी चालक की धारिता सी चालक को दिए गए आवेश क्यू तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन वी के अनुपात रेशियो को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल, दो द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल लेक लांशे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन चार्जिंग कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में एक तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लेक लांशे सेल में एनोड के रूप में कार्बन डाई छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। लैकलांशे सेल में एनोड के रूप में प्रयुक्त कार्बन की छड़ मैग्नीज डाई ऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। लैकलांशे सेल को विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। लैकलांशे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते के बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। 16 विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। ये एक अदिश राशि है। एक एम्पियर विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट होता था उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V अनुक्रमानुपाती I या V=RI, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पृष्ठ 302। ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता, कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम का चालक की चालकता कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं, यानी G=1/R। इसकी एसआई इकाई ओम की पावर -1 होता है, जिसे महो भी कहते हैं। इसका एसआई इकाई सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई I और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/A या R=ρ/I/A, जहां रो एक नियतांक है इससे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा बराबर 1/ρ। इसकी एसआई इकाई ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1 यानी ओम²-1, m²-1 होती है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में, दो समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनवर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपेत में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट। एक किलोवाट घंटा मात्रक अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का वी मात्रा है, जो कि किसी परिपथ में एक घंटा में व्यय होती है जबकि परिपथ में एक किलोवाट की शक्ति हो। किलोवाट घंटा मात्रक बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000 बराबर वाट गुणा घंटा बटे 1000। अमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले के लिए अमीटर मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। ये सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बनाने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10^-6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है।
पृष्ठ 303। शंट का उपयोग। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ये एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसी डायनेमो या जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 132,000 वोल्ट तक भी हो सकती है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। 17. चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। ये विभिन्न आकृति की होती है जैसे छड़, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वो क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी होता है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पृष्ठ 304। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। एक, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा चवक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीन, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। चार, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। दो, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। तीन, लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। डोमेन,
लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10^18 से 10^21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप वो ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात स्टील का प्रयोग किया जाता है। भू चुंबकत्व, टेरिस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को तीन तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है, दिक्पात कोण एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, नमन कोण एंगल ऑफ डिप तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एक दिक्पात कोण। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दो नमन कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तीन चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु उसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4×10^-4 टेस्ला होता है। पृष्ठ 305। 18 परमाणु भौतिकी। परमाणु एटॉम। परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण ये उदासीन होता है। मूल कणों की विशेषताएं। कण प्रोटॉन द्रव्यमान किलोग्राम में 1.672×10^-27 किलोग्राम। आवेश कूलाम प्लस 1.6×10^-19 खोजकर्ता गोल्ड स्टील। कण न्यूट्रॉन द्रव्यमान 1.675×10^-27 आवेश कूलाम शून्य खोजकर्ता चैडविक। कण इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.108×10^-31 आवेश कूलाम −1.6×10^-19 खोजकर्ता जे थॉमसन। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। पॉजिट्रॉन द्रव्यमान 9.108×10^-31 आवेश प्लस 1.6×10^-19 खोजकर्ता एंडरसन विशेष इलेक्ट्रॉन का एंटिक कण। पाई मैसॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274× आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों खोजकर्ता युकावा विशेष अस्थायी जीवनकाल 10^-8 सेकेंड। न्यूट्रिनो द्रव्यमान शून्य आवेश शून्य खोजकर्ता पाउली विशेष डैश। फोटोन द्रव्यमान शून्य आवेश शून्य खोजकर्ता आइंस्टीन विशेष इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरणें कैथोड रे जब विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 mm पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज बीम निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। गुण एक कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। दो कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉयल होता है जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। ये पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीन कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं।
4. कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी सतह के लंबवत निकलती है। 5. कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुणा होता है। 6. ये किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। 7. ये गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। 8. ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। 9. इसकी वेधन क्षमता कम होती है, ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। 10. कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता पर वलयाकार होता है। नोट: जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। पृष्ठ 306। धनात्मक किरणें, पॉजिटिव और कैनाल रेज। विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किए जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने लगाया था। गुण: 1. ये किरणें धनावेशित होती हैं। 2. ये प्रतिदीप्ति तथा स्फुर दीप्ति उत्पन्न करती है। 3. ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। डायोड वाल्व। वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 ईस्वी में निर्मित ये एक ऐसी निर्वात नालिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इसे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। नोट: कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग: डायोड वाल्व को रिज्जुकारी रेस्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलते हैं। ट्रायोड वाल्व ये 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। उपयोग: ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक एम्पलीफायर दौलित्र ऑस्किलेटर प्रेसी ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक कंडक्टर्स व विद्युत रोधी इंसर्टर्स पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें निज अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य के रूप में असैरनिक अथवा एल्यूमिनियम मिलाते हैं जिससे अर्धचालक को की चालकता काफी बढ़ जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रभाव कोटरों होल की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम मिलाने में से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। दाता डोनर। पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं, ग्राही एक्सेप्टर, त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। डॉपिंग। अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डॉपिंग कहते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। पृष्ठ 307। अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी। इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालक सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। 4.2 के अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है।
नियोबियस्टीन काफी ऊंचे ताप 100 केल्विन पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वो पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेदकर उसके अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। नोट: घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। मानव नेत्र ह्यूमन आई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी